हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पॉइंटर्स डिक्लेरेशंस की, कि पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए, पॉइंटर का क्या होता है कि जैसे हम और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट वी राइट पॉइंटर्स डिक्लेरेशन। पॉइंटर्स डिक्लेरेशन, पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं लाइक एनी अदर वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे मे बी यूज्ड इन ए सी प्रोग्राम। तो जो भी पॉइंटर वेरिएबल आप सी प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, उसको प्रोग्राम से पहले आपको डिक्लेयर करना होता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पॉइंटर डिक्लेरेशन डिफर्स हाउएवर फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर वेरिएबल डिक्लेरेशन। व्हेन ए पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, the variable name must be preceded by an asterisk. This identifies the fact that the variable is a pointer. The data type that appears in the declaration refers to the object of the pointer, that is the data item that is stored in the address represented by the pointer rather than the pointer itself. yani matlab ye hua ki jab bhi aap kisi pointer ko declare karenge to jaise aap is tarah likhenge data type उसके बाद आप एस्टरिस्क लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंटर वेरिएबल। मान लीजिए आपने लिखा PTVAR, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेटा टाइप है ये उस डेटा का टाइप बता रहा है जो इस एड्रेस पे स्टोर होगा। मतलब ये हुआ कि और PTVAR जो है ये तो हो गया आपका नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल, ये तो पॉइंटर वेरिएबल का नाम हो गया। और जो डेटा टाइप है ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि इट रिफर्स टू द डेटा टाइप ऑफ द पॉइंटर्स ऑब्जेक्ट। मतलब पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा टाइप यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए आपने इस तरह लिखा, आपने लिखा फ्लोट u, v, ठीक। तो यहाँ पे हो गए u और v दो वेरिएबल हो गए फ्लोट टाइप के। अब जब आप इसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे, आपने लिखा फ्लोट एस्टरिस्क साइन लगाया आपने और आपने लिखा pv इज द पॉइंटर वेरिएबल, इसका मतलब क्या हुआ कि द फर्स्ट लाइन डिक्लेयर्स u एंड v टू बी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। तो ये क्या दिखा रहा है कि u और v जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है। और सेकेंड लाइन ये दिखा रहा है कि द सेकेंड लाइन डिक्लेयर्स पीवी टू बी ए पॉइंटर वेरिएबल हुज ऑब्जेक्ट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी। तो पीवी ये दिखा रहा है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी पॉइंट्स टू ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी, इसका मतलब हुआ कि पीवी पॉइंट्स टू ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी। पीवी जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट दैट पीवी रिप्रेजेंट एन एड्रेस नॉट ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पीवी जो है वो एड्रेस बता रहा है, किसका एड्रेस बता रहा है, इस फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी का। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि विद इन ए वेरिएबल डिक्लेरेशन ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड बाई असाइनिंग इट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। रिमेंबर दैट द वेरिएबल हुज एड्रेस इज असाइन टू द पॉइंटर वेरिएबल मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड अर्लियर इन द प्रोग्राम। मतलब कि जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखिए मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट u, v, ठीक है, उसके बाद हमने डिक्लेयर किया फ्लोट और हमने यहाँ लिखा पॉइंटर वेरिएबल pv इज इक्वल टू m% of v, ठीक है। इस डिक्लेरेशन का क्या मतलब हुआ कि देखिए पहली लाइन में हमने क्या किया, यू और वी दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, और पी वी क्या कर रहा है, पी वी इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल
दैट पॉइंट्स टू ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी, ठीक है, और इन एडिशन द एड्रेस ऑफ वी इज इनिशियली असाइंड टू पी वी। यहाँ पे आपने यू और वी दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पे आपने वी का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया पी वी को। द एड्रेस ऑफ वी इज इनिशियली असाइंड टू पी वी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जनरल इट डज नॉट मेक सेंस टू असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू ए पॉइंटर वेरिएबल। एन एक्सेप्शन हाउवेयर इज एन असाइनमेंट ऑफ जीरो विच इज समटाइम्स यूज टू इंडिकेट सम स्पेशल कंडीशन। इन सच सिचुएशंस द रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इज टू डिफाइन ए सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट नल विच रिप्रेजेंट जीरो एंड टू यूज नल इन द पॉइंटर इनिशलाइजेशन। दिस प्रैक्टिस एम्फसाइजेज द फैक्ट दैट द जीरो असाइनमेंट रिप्रेजेंट ए स्पेशल सिचुएशन। अब देखिए, जब भी आप किसी को पॉइंटर वैल्यू वेरिएबल को आप जीरो असाइन करेंगे तो वो एक सिचुएशन स्पेशल सिचुएशन होती है। जैसे क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने कहा कि से आपने यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन और नल, नल को आपने डिफाइन किया जीरो, ठीक है। फिर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने कहा फ्लोट यू कॉमा वी, और उसके बाद आपने डिक्लेयर किया फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल पी वी इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल्स यू एंड वी आर डिक्लेयर टू बी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स एंड पी वी इज डिक्लेयर्ड एज ए पॉइंटर वेरिएबल दैट पॉइंट्स टू ए फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी। इन एडिशन पी वी इज इनिशियली असाइंड ए वैल्यू ऑफ जीरो, नल मतलब वैल्यू ऑफ जीरो, टू इंडिकेट सम स्पेशल कंडीशन डिक्टेटेड बाई द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। द यूज ऑफ द सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट नल सजेस्ट दैट दिस इनिशियल असाइनमेंट इज समथिंग अदर देन द असाइनमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंटीजर वैल्यू। तो ये जो आप नल असाइन कर रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि इट सजेस्ट दैट दिस इनिशियल असाइनमेंट इज समथिंग अदर देन द असाइनमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंटीजर वैल्यू। तो इस तरह से अगर अगर स्पेशल कंडीशन में या प्रोग्राम का लॉजिक ऐसा है जो ये जरूरत समझ रहा है कि पॉइंटर को हमें इनिशियली असाइन करना है, तो हम इस तरह से उसको जीरो असाइन कर सकते हैं शुरू में ही, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंटर को इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपका कि पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन। तो जैसे देखिए, फंक्शन को हम लोग वेरिएबल्स पास करते हैं उसके आर्गुमेंट की तरह से, सॉरी, वैसे ही हम लोग जो है पॉइंटर्स को भी पास कर सकते हैं किसी एक फंक्शन को, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको पूरी एरे एरे पास करनी है या आपको मल्टी डायमेंशनल एरे पास करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आप पॉइंटर में उसका बेस एड्रेस मतलब एरे का इनिशियल एड्रेस पास कर देते हैं, और उसके बाद जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा आइटम्स स्टोर है पॉइंटर में। तो अगर आपको एरे का यू एरे पास करनी है या और आपको डेटा लिस्ट पास करनी है, तो उसमें अगर आप पॉइंटर का यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम काफ़ी सिंपल ढंग से और काफ़ी इजली बन जाएगा। अदरवाइज ईच एंड एवरी एलिमेंट को पास करना एरे को, दैट इज नॉट सो इजी। तो पासिंग एरे, पासिंग पॉइंटर्स टू ए फंक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि आज आपका जो हमने पढ़ाया है कि पॉइंटर को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और इन स्पेशल सिचुएशन में कैसे उसको हम नल डिक्लेरेशन कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।